डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ के लिसाड़गेट थाना क्षेत्र के किदवई नगर में एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा मोहब्बत में पीड़िता का जीना मुहाल कर दिया है। दरअसल पीड़िता ने लिसाड़गेट पुलिस को बताया कि पिछले कई वर्षों से समद नाम का एक युवक उसको परेशान कर रहा है। एक तरफा मोहब्बत और पीड़िता से शादी की जिद ने आरोपी को इतना अंधा बना दिया कि उसने प्रताड़ना की इंतहा पार कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता से शादी की जिद के चलते उसके घर पर फायरिंग कर डाली। पीड़िता ने बताया कि कई वर्ष पूर्व वह स्कूल जाया करती थी, लेकिन इसी बीच समद उसकी जिंदगी में आ गया और उसको परेशान करने लगा, जिसके चलते भाई ने उसकी पढ़ाई तक छुड़वा दी। आरोपी समद अब युवती से शादी के चक्कर में पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। सुनिए पीड़िता से मिली जानकारी। समद नाम का लड़का परेशान करता है बहुत ज़्यादा। ये कहता है कि तुझसे शादी करूंगा, अगर तूने शादी नहीं करी मेरे से सबको जान से मार दूंगा। और आज बिना बात के आकर गोली चलाई है घर के नीचे, 4-5 आके, और उसका खाली खोल भी मिले हैं बहुत ज़्यादा। इतना परेशान करता है, अगर तुमने शादी नहीं करी तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यहाँ तक कि सबको मारने की भी धमकी देता है। ये यहीं रहता है हमारे घर के पास ही। तो परेशान कर रहा है काफ़ी दिनों से, करता है परेशान। आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, उसकी वजह से छुट्टी है। परेशान करता था, कहीं पे भी पकड़ लेता था, ये कहता था वो कहता था, इसकी वजह से भाई ने पढ़ाई भी छुड़वा दी घर में। कितना टाइम हो गया आपको पढ़ाई? मुझे पढ़ाई को छोड़े हुए 2-3 साल हो गए, तो उसके बाद से ही पढ़ाई छूट गई थी बस, उसके बाद से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। और क्या कहता है, धमकी वगैरह? बस ये धमकी देता है, तेरे से शादी करूंगा, अगर तूने शादी नहीं करी तो सबको मार दूंगा तेरे घर में, चाचाओं को, तेरे भाई को, सबको मार दूंगा, कोई भी जिंदा नहीं रहने का, बड़ा से लेकर छोटा, सबको मारने की धमकी देता है। गोली जो चली है, दिन में चली है, रात में? दिन में चली है, सुबह में, दोपहर 12 के बाद। इस बारे में पुलिस अधीक्षक ने यह जानकारी दी। सर, एक फायरिंग की सूचना आई है कि लड़की के बाहर किसी प्रेमी ने फायरिंग की है, क्या पूरा मामला? लिसाड़ी गेट के किदवई नगर थाना क्षेत्र में एक घटना प्रकाश में आई है, जिसमें एक लड़की को धमकाने का और फायरिंग उसके घर पर पहुंच के करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने तहरीर ले ली है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, और जो भी विधिक कार्यवाही साक्ष्य के आधार पर होगा वो किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट वाइट टीवी, और हाँ, चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।